हुआ, सेवक स्वामी को छोड़कर चले गए। कुछ समय तक स्वामी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात स्वामी को लगा, अरे सेवक से इतने दिन मैं दूर रहा, उनको बुलाना चाहिए। कई अनुचरों को भेजा उस सेवक को ढूंढने के लिए, लेकिन वो सेवक मिले नहीं। स्वामी ने विचार किया, उस सेवक की विशेषता कि बड़ा बुद्धिमान है। स्वामी ने घोषणा की कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी गांव हैं, हर गांव में से एक एक मटका बुद्धि का मुझे भेजा जाए। इस संदेश को सुनकर सभी गांव वाले परेशान हो गए। बोले, मटका तो सुना है, लेकिन मटके के अंदर बुद्धि हम कैसे भेज सकते हैं। तब इस सेवक ने उस बात को सुनी और सेवक ने एक तरबूज की एक छोटी सी लता ली, जिसमें तरबूज छोटा सा था, और उसको मटके के अंदर रख दिया और उसको बढ़ने की तैयारी की। और कुछ ही दिनों में वो तरबूज बढ़कर पूरे मटके को आवृत कर लिया। फिर उस मटके को जब स्वामी के पास भेजा, उसके साथ संदेश दिया, मटके के अंदर बुद्धि है, मटके को बिना फोड़े बुद्धि को निकाल लो। इसको देखकर स्वामी समझ गए, जिस गांव से मटका आया है वहीं पर मेरा सेवक विद्यमान है। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। करोड़ों की संख्या में जीव भटक रहे हैं, लेकिन विरले जीव है जो इस मनुष्य जीवन के अंदर अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन दुख कष्टों का वास्तविक समाधान निकालने का प्रयास करें। आइए हम इस मनुष्य शरीर रूपी मटके के अंदर दिए गए बुद्धि का सदुपयोग करें और भगवान के प्रति अपने भाव उत्पन्न करें, जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि की समस्याओं को समाधान कर सकें।